Hi, this is Harshvardhan Rane and you're watching Bollywood Hangama. मैं थोड़ा ना देसी टाइप का इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा ताम झाम समझ में नहीं आता है, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते, तो मुझे एक डाइट सबसे ज़्यादा रिलेट करती है क्योंकि बहुत सिंपल डाइट, थोड़ी टफ है, सबको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या है, फोकस बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसमें क्या है कि जो केवमैन और जो प्रिमिटिव लोग खाते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग सिर्फ सब्जियाँ और नॉनवेज खाते थे, तो मैंने उसमें अंडे ऐड कर दिए, सब्जियां मैं बहुत सारी खाता हूँ और थोड़ा प्रोटीन के रूप में नॉनवेज खाता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाता, रोटी चावल बिस्किट ब्रेड जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं मैं कुछ नहीं खाता, हालांकि चावल मुझे इतना पसंद है कि मैं दिन में 6 बार चावल खा सकता हूँ, लेकिन इट्स वेरी सिंपल, लाइफ में कुछ चाहिए तो कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, सैक्रीफाइस, जो भी वर्ड आप यूज़ करें, बट सब कुछ तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली। तो आई हैव अ टेंडेंसी टू गेन वेट वेरी क्विकली, बट थैंक्स टू दिस डाइट मैं थोड़ा मेंटेन करता हूँ। वर्कआउट तो ज़रूरी है ही, मैं ये मानता हूँ वर्कआउट ठीक है, लेकिन डाइट इज 70% रीज़न ऑफ हाउ यू लुक। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत वर्कआउट करते हैं लेकिन डाइट फिर रात को सोते टाइम पहाड़ बना के चावल खा लेते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है। और इंडिया में हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग दिन में 2 बार बड़ा मील खाते हैं, वो ना करते हुए अगर हम दिन में 6 छोटे छोटे मील्स खाएँ दैट इज़ वे बेटर देन ईटिंग 1 or 2 बिग पोर्शंस। मेरा एक ही रिलेशनशिप हुआ है उमेश आज तक, एंड नाउ आई स्टे विथ हर एंड हर बॉयफ्रेंड, जब मैं बॉम्बे आता था उन दोनों के यहाँ रहता हूँ, लेकिन मेरा उसके बाद रिलेशनशिप जो होता है उसका मैं आपको ये सच सच बताऊँगा कि रिलेशनशिप के लिए ना बहुत हिम्मत टाइम एनर्जी चाहिए, हिम्मत मेरे में बहुत है, टाइम और एनर्जी ना वो भी है, लेकिन मैं आई राइट नाउ वॉन्ट टू गिव इट टू माई वर्क, यू नो अभी जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, सो आई वॉन्ट टू हैव ऑल माई 500% फोकस ऑन दिस इंटरव्यू एंड नॉट थिंक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग विथ माई गर्लफ्रेंड, एंड बिकॉज वो भी इंसान है, अगर कोई गर्लफ्रेंड आएंगी तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होंगी, हर इंसान की होती है, आप बोलो या ना मत बोलो, आप बोलोगे कि यार आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग कम ऑन हर्ष, लेकिन 100% आपके दिल में होगा कि हर्ष ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ बिताएं। अगर मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ बिता रहा हूँ तो फिर काम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, क्योंकि दिन में घंटे तो 24 ही हैं, वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता, हाँ एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा डाल सकता हूँ लेकिन घंटों का मैं क्या करूँ। सो मेरे लिए ये है कि जिस दिन मुझे लगेगा कि यार कुछ थोड़ा सेटल हो गया हूँ मैं, तो फिर मैं शायद ट्राई करूँगा डेटिंग वेटिंग, लेकिन तब तक तो बहुत हिम्मत नहीं होगी। वन साइडेड बहुत हो जाते हैं उमेश जी, मैं आपको बताता हूँ, आई लाइक अ लॉट ऑफ, कोई भी लड़की दोबारा नहीं सोचेगी, नहीं आई एम नॉट, आई विल ब्रेक थ्रू आपके लिए, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताता हूँ, आई एम नॉट अ ग्रेट बॉयफ्रेंड, आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट बॉयफ्रेंड ऑन द प्लैनेट, जो मुझे पहले रिलेशनशिप के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर मैंने इतना गिव अप मारा कि वो आज तक ही नहीं हुआ, लेकिन वो एक बॉयफ्रेंड की जो क्वालिटीज़ होती है ना, जो बहुत ही प्यारी क्वालिटीज़ होती है, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर हैं, बट मे बी समडे आई विल बी अ गुड बॉयफ्रेंड, मे बी।